हाय मूवीशूविंस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी लाल सिंह चड्ढा और कब आएगी, और उस अपडेट के ऊपर भी और फ्रेश अपडेट्स आ गए आज। और काफ़ी सारे जो मेरे मूवीशूविंस हैं उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये जो है शिफ्ट होने वाला है, नेटफ्लिक्स के साथ सांठगांठ सही नहीं बैठ रही है, तो शायद ये वूट के पास चला जाएगा। तो मैंने अपने रिसोर्सेज लगाए और पता लगाने की कोशिश करी कि वायोकॉम का काफ़ी ज़्यादा कोशिश था कि वो नेटफ्लिक्स के साथ अरेंजमेंट कर ले, लेकिन आमिर खान साहब अटके हुए थे कि 6 महीने से पहले मैं इस मूवी को नहीं जाने दूंगा, और ये जो 160 करोड़ रुपये की डील है वो दैट वेंट ऑफ द टेबल बिकॉज ऑफ दिस 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म को। फिर ये गया अमेज़ॉन के पास, अमेज़ॉन ने भी मना कर दिया अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने कि जी 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अब वायकॉम ने ये डिसाइड करा कि जो उसका खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म है वूट, ये उसके ऊपर रिलीज़ होगी और ये इतना टाइम नहीं लगाएगी क्योंकि जो मूवी है वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है थिएटर्स के अंदर, तो 6 महीने की वेट वूट के ऊपर भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा 60 डेज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा फ्रॉम द रिलीज डेट। रिलीज डेट इसकी फाइनल नहीं हुई है क्योंकि कल के बाद जो चेंजेस आए हैं वो अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, तो जल्दी जैसे ही पता चलेगा कि इसका क्या तामझाम हो रहा है तो आपको बता दूंगा मैं। बहरहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 50 करोड़ भी नेट क्रॉस नहीं करी है लाल सिंह चड्ढा, तो काफ़ी शॉकिंग है वायाकॉम के लिए भी क्योंकि काफ़ी महंगी बनी थी पिक्चर, और जो महंगी छोड़ी जो रेपुटेशन एट स्टेक थी आमिर खान की वो सब भी था। बट एनीवेज बॉयकॉट कल्चर जो है इसके साथ रिलेटेड कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। ऑब्वियसली जिस तरीके से आर्मी को दिखाया वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो वो बॉयकॉट के जोन के अंदर चला गया। कुछ चीज़ें ठीक भी थी मूवी के अंदर, जिन लोगों को पसंद आनी थी उनको पसंद आ गई, और काफ़ी सारे लोग इसका OTT के ऊपर भी इंतज़ार करेंगे। अब मुद्दा यही होता है कि बहुत सी बार आप बोलते हैं कि यार थिएटर के अंदर आके तो नहीं देखी, जब नहीं देखी बॉयकॉट ही करना था तो फिर OTT के ऊपर भी क्यों देख रहे हो, लेकिन OTT पे देखेंगे और भर भर के लोग देखेंगे, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है, माइंडसेट समझ में नहीं आता। बॉयकॉट हो गया तो हो गया, अब फिर वहाँ भी देखने का क्या फ़ायदा है जब आपने एक कॉन्टेंट पीस को नहीं देखना है? तो बॉयकॉट का मतलब क्या ये है कि आपने अपने पैसे जेब से खर्च करके नहीं देखने हैं, जो सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ है उसमें देख लेंगे, और सबको ये पता है कि सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ जिस दिन लॉन्च होगी उसके अगले दिन एक और चैनल के ऊपर भी आ जाएगी, जैसे कहते हैं टेलीग्राम, तो थोड़ा हिपोक्रेसी है ये। बट एनीवेज तो इसकी जो रिलीज़ है करीबन 60 दिन आफ्टर थिएटरिकल रिलीज़ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। बाकी आपको इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है कि लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बोलते बॉयकॉट हैं लेकिन देखते भी हैं, आपका क्या नज़रिया ज़रा कमेंट करके बताओ। बाय बाय।